कई मर्द होते हैं जो दूसरा तीसरा निकाह करना चाहते हैं, ऑलरेडी मैरिड होते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि मतलब बीवी दिनदार भी होती है बट परमिशन तो नहीं चाहिए होती है, बट बहुत ज्यादा अगेंस्ट होती है इन चीजों के। तो फिर मतलब अगर शोहर निकाह करना चाह रहा है और पहली बीवी को ना बताए कि उसने निकाह किया है, और लोगों में मतलब बहुत ज्यादा आम ना करे कि उसने सेकेंड या थर्ड निकाह किया है, तो ये हालत तो सही होगी क्या जो ऐसा करे उसके लिए? देखिए, इस मसले के ना दो पहलू है। एक पहलू है फिकही जवाब यानी फतवा। तो भाई फतवा तो यही जी है कि अगर कोई मर्द दो लोगों को गवाह बना करके निकाह कर रहा है तो शरी तौर पे उसका निकाह हो जाएगा, वो औरत उसकी बीवी बन जाएगी। हाँ, और एक होता है कि शरीयत की हिकमतें और मसलहतें क्या हैं। तो शरीयत की हिकमत यह है कि निकाह का आम ऐलान किया जाए। मैंने नहीं बोलूँ कि निकाह नहीं होगा, पर अल्लाह की मर्जी से आलिनु हाजन निकाह कि इस निकाह का ऐलान करो। निकाह में और जिना में बुनियादी फर्क यही होता है, जिना छुपाया जाता है, निकाह छुपाने वाली चीज नहीं होती है। निकाह का ऐलान करना चाहिए। ठीक है, वक्ती मसलियत के तहत 2 4 दिन हफ्ता इससे तहत छुपा ले कि वो कुछ इंतजाम कर रहा हो तो अलग बात है, लेकिन मुस्तकिल एक औरत को छुपा करके रखना शरी मसलियतों के खिलाफ है। ना सिर्फ शरी मसलियतों के खिलाफ है बल्कि हमारी समाज की मसलियतों के खिलाफ है। मैं एक नहीं, मैं तो इस तरह के मामला सैकड़ों की तादाद में देख रहा हूँ कि शौहर जो है वो अपनी बीवी को छुपा करके जिनसी दबाव में और शहवत के दबाव में आकर के दूसरा निकाह कर लेता है, छुपा करके, किसी को बताता नहीं है। फिर वो उससे उसका मन भर जाता है या मन नहीं भी भरता है, लेकिन ऐसी छुपने वाली चीजें छुपती नहीं है, वो कहीं ना कहीं जाहिर हो जाती हैं। फिर जैसे ही पहली बीवी को पता चलता है, मसाइल खड़े होने लगते हैं, रिश्तेदार मुखालिफ हो गए, ससुराल वाले मारने के लिए आ गए, बीवी घर छोड़ करके चली गई बच्चों को लेकर के। आदमी बोलता है अपनी दूसरी बीवी से कि देखो मेरे पास तो ये प्रॉब्लम है, मेरी बीवी मुखालिफ हो गई है, मेरे घर वाले मुखालिफ हो गए, सॉरी मैं इसको आगे नहीं बढ़ा सकता, छोड़ देता है। क्योंकि तो दूसरी शादी में बंदे को तलाक देना रखने से ज्यादा आसान होता है। पहली शादी में तलाक देगा तो बहुत लोग उसके दबाव रहते हैं कि नहीं छोड़ना है, दूसरी शादी में तलाक देना आसान होता है। तो ऐसी सूरत में ऐसे रिश्ते चल नहीं पाते। बेशतर जो दूसरी शादियों में तलाक की नौबत आती है वो ऐसी शादियां होती है जो छुप करके की गई है, जिसका ऐलान नहीं किया गया। तो ये मतलब ये रिकमेंडेड नहीं, मैं ये बोलूंगा, छुपा करके करना। खास तौर पे किसी औरत को इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए अपनी इज्जत पर। आमतौर पे बेचारी जो औरतें दूसरे बीवियां बनती हैं वो खुला वाली होती हैं, तलाक याफ्ता होती हैं, बेवा होती हैं, और फिर दूसरी शादी करके लोग, मानी दूसरी शादी के मामले में मसला ये है कि आदमी दूर से उसको जितना अच्छा दिख रहा होता है, अंदर आने के बाद उसको वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है। हर नेमत के बारे में होता है ना, नेमत मिल जाती तो आदमी को पता याद नहीं रहता कि मैं कितना मरे जा रहा था दूसरी शादी के लिए। एक बार मिल जाती दूसरी बीवी तो आदमी को उसकी वैल्यू नहीं रह जाती है, और फिर बल्कि घर का दबाव बनता है तो उसको लगता है चलो फायदा तो मैंने उठा ही लिया है, अब छोड़ भी देता हूँ मैं, मजा भी ले लिया। और क्योंकि उसके छोड़ने पर कोई लानतान भी नहीं होगा, मतलब बल्कि खुश हो जाएंगे उसके घर वाले, ससुराल वाले, बीवियां सब खुश हो जाती हैं। तो उसका नुकसान लड़की को उठाना पड़ता है, फिर आदमी का क्या है, आदमी तो अपनी जिंदगी में फिर मसरूफ हो जाता है। तो ये शरी एतबार से अगर कोई बोलेगा ये निकाह हुआ कि नहीं हुआ, तो फतवा तो यही है कि अगर वली राजी था, लड़की राजी थी, मियाँ बीवी राजी थे, मार तय कर दिया गया, निकाह हो गया। निकाह की शर्तें जो फिकही एतबार से हैं, दो गवाह हैं मौजूद, निकाह हो जाएगा, फिकही एतबार से निकाह हो जाएगा। पर ये रिकमेंडेड नहीं है, शरी मसलहतों के भी खिलाफ है और जो समाजी मसलहतें उनके भी खिलाफ है। इसको मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा। और जिस आदमी के अंदर इतना करेज ना हो ना कि वो खुलेआम शादी कर सके, ठीक है भाई, ये हो सकता है बाज मरतबा कि आदमी को ये डर होता है कि अभी आज निकाह करने जा रहा हूँ, बता दूंगा किसी को कि करने जा रहा हूँ तो मस्जिद में आकर के निकाह नहीं होने देंगे, तो 1 2 दिन के लिए कोई छुपा रहा है या जब तक कि विदाई नहीं हो रही छुपा रहा है, तो बात एक समझ में आने वाली है। पर आदमी ये सोचे उसकी प्लानिंग में ही ये ना हो कि मैं अपनी बीवी को बताऊंगा पहली वाली, हमेशा ऐसे छुपा करके रखूंगा, तो जिसके अंदर इतना करेज ना हो उसको निकाह नहीं रखना करना चाहिए, उसको रोजे रखना चाहिए और फिर शादी रखते करते हुए फिर अल्लाह ताला उसका जन्नत में इंशाल्लाह निकाह कराएगा।